पब्लिक को कंफ्यूजन रहती है कि एलिस भाई तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर न्यू अपडेट। तो गाइज, एलविस यादव फाइनली अपने गर्लफ्रेंड से रिलेटेड कुछ बातें शेयर की हैं, जो कि उनके ब्लॉग्स में हमेशा लोग कमेंट्स करके पूछते रहते थे कि आप कृति मैम के साथ वीडियो क्यों नहीं बनाते एंड अपने ब्लॉग्स में क्यों नहीं लाते हो। तो आज उन्होंने इनडायरेक्ट वे में इसी चीज का रिप्लाई किए हैं। कोई कंफ्यूजन रहती है कि एलविस भाई तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है, क्या है, कैसी है। मतलब एक इस सवाल का जवाब देता हूँ कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड कौन है। भाई मेरी गर्लफ्रेंड है ही नहीं यार कोई। मैं कई जैसे कई मेरे तक पूछा जाए, मैं जेन्युइन बोलूंगा, वो मत समझना कि मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूँ। जैसे कोई पूछे भाई तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगा, मैंने कहा नहीं भाई। तो वो मेरे तक और एलिस भाई तुम तो खूब स्मार्ट हो, फिर कैसे गर्लफ्रेंड नहीं है तुम्हारी। तो मैं उनको क्या कुछ नहीं रखा यार, गर्लफ्रेंड हो अपने, अरेंज मैरिज करो और मौज लो, वो अलग बात है कि मेरी एक बेस्ट फ्रेंड। ऑल्सो गाइस, यहाँ पे एलविस यादव से रिलेटेड एक और अपडेट है। जैसे कि आप लोग को याद होगा, आज से 6 मंथ आगे एलविस यादव जयपुर में मीटअप रखे थे, जहाँ पे भीड़ इतना ज्यादा हो गया था कि पुलिस और आर्मी वाले को भीड़ को हैंडल करने के लिए आना पड़ा था। ऑल्सो आप लोग को याद होगा, एंड इसी रीजन की वजह से उनका उस टाइम मीटअप कैंसिल करना पड़ा था। एंड उन्होंने अभी फिर से लखनऊ वालों के लिए मीटअप रखे। सो गाइस, देखना है कि मीटअप कितना सक्सेसफुल होता है। ऑल्सो उन्होंने लखनऊ मीटअप का डेट एंड डे इंस्टा में शेयर कर रखे, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। एंड गाइस, जो लोग लखनऊ से हो, मीटअप में जा रहे हो या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए बात कर लेते हैं कृति मेहरा का। तो कृति मेहरा ने कल अपने चैनल पर ब्लॉग अपलोड करी, जहां पर उन्होंने बताया कि उनका न्यू कार का एक्सीडेंट होते होते बचा, बट उनकी न्यू कार पे बहुत सारे स्क्रेचेस आ गए। एंड जो लेडी ने उनके कार को टक्कर मारी, वो अपनी गलती एक्सेप्ट करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, बट वहां के पब्लिक कृति मैम को सपोर्ट कर रहे थे। एंड इसके रिगार्डिंग उन्होंने और क्या कही, आप खुद देखिए। जितने भी लोग वहां पे इकट्ठे हुए थे, सब उसको सुना रहे थे। मुझे नहीं पता था मुझे क्या बोलना है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा फर्स्ट टाइम था और मेरे को ऐसा था कि अभी मेरे को बहुत ह्यूमिलेशन झेलना पड़ेगा कि फीमेल ड्राइवर है ये वो। बट जब मुझे पता चला कि सब लोग मेरी साइड ही हैं और सबने देखा है कि वो कैसे आई थी, तो मैं कॉन्फिडेंस में आ गई कि मैं उससे थोड़ा लड़ी और उसने मुझे अपने डिफेंस में सिर्फ ये बोला कि मेरी गलती नहीं है, मेरी गाड़ी की गलती है। तो चलो यार, फिलहाल इतना ही अपडेट था। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। एंड यार, आप लोग देख सकते हैं मैं 8K सब्सक्राइबर्स के काफी क्लोज हूँ, तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना।